सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फ्यूचर दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैंने अमेजोन से छोटे रंधे खरीदे हैं तीन, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा कहां से आपको आपने परचेज करने हैं। और कई भाइयों को पता नहीं लगता भी कैसे हमने परचेज करने, कई मेरे कारपेंटर भाई उनको नहीं पता लगता कैसे, तो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे आपने परचेज करने, तो उसको देख के आप परचेज कर सकते हो। दोस्तों ये 800 रुपए के आए हैं, तीन रंधे हैं ये, तो आपको बड़ा छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा, नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मैंने बोल दिया है। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं और ये निकालते हैं। दोस्तों पहले मैंने खोल के देख लिए, ये भी दिखा देता हूँ, अमेजोन से मैंने मंगवाए। दोस्तों वैसे तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि दुनिया के सबसे छोटे रंधे हैं, इसमें तीन हैं ये, और इसके अंदर जोन सी वुड लगी है वो रोज वुड लगी हुई है जिसको हम शीशम बोलते हैं, और जो जोन सी इधर ब्रास लगी हुई है, जे ये इधर भी ब्रास लगी हुई है, ये 4 mm के करीब ब्रास लगी हुई है इधर, और जोन सा इसका साइज है 3 इंची ऐसे है और 1.5 इंची ऐसे है और 1.5 इंची ऐसे है। ठीक है, और इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी साइज दोस्तों ऐसे ही है, 3 इंची ऐसे है, 1.5 इंची और 1.5 इंची। ठीक है, ये तो दो हो गए, और तीसरे वाला का थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इसका ऐसे 1/2 इंची है जिसे हम 12 mm बोलते हैं, और 3 इंची ऐसे है और 1.5 इंची ऐसे है। दोस्तों ये प्रॉपर ना सारा ही यानी कि ब्रास से ये तैयार कर रखा है, ये इसको आप ये मत सोच रहे भी खिलौने हैं, भी इसको टॉयज मत समझना, ये यानी कि ये मैं आपको तीनों हाथ में रख के दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में आ जाएंगे। अब इनको मैंने बंद भी कर लिया, कोई कह नहीं सकता, हाथ में प्लेनर होंगे तीनों। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ब्रास के हैं ये, और इसका जो सा ये मैं थोड़ा सा आपको अप्लाई करके भी दिखाता हूँ, इसको भी आपको अप्लाई थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको बुरादा नज़र आ रहा होगा इसका। कोई भी दोस्तों छोटा मोटा काम है, जैसे कई भाई गिटार वगैरह बनाते हैं तो उनके काम आ जाते, जैसे कार्बिन के काम होते हैं हल्के हल्के, यहाँ पर बड़े रंधा नहीं जा सकता, चोरसी नहीं जा सकती, तो उस जगह तक ये जाते हैं। ये देखिए इसके बुरादा देखिए कितना छोटा था, जितना छोटा ये खुद है, जितना जिसका मुंह है बेचारे का उतना ही ये बाहर डस्ट निकाल रहा है। और जो सा ये वाला है, ये होता है हमारे सफाई के लिए, जैसे हमने पुट वगैरह हो जाए, छोटी सी सफाई वगैरह करनी हो, ये उस काम के लिए होता है, आप इसको अप्लाई ऐसे कैसे कर सकते हो, ये देखो। देखो इसके अंदर से भी निकल रहा है, एक बार मैं एक बार झाड़ देता हूँ, अब देखो इसके अंदर से निकलेगा। क्योंकि ये सफाई करते जैसे पुट वगैरह हो जाती है ना हमारी, ये उस चीज को खत्म करता है। ये देखिए इसके अंदर से ये निकला बुरादा, और ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये यहाँ कैसे था यहाँ कैसा है। अब देखो ये ब्लैक हो रहा है ना, थोड़ा सा मैली हो रही लकड़, मैं इसके ऊपर मार के दिखाता हूँ आपको, है बड़ा छोटा सा, हाथ में भी पता नहीं लग रहा है कि पकड़ा हुआ है कि नहीं। ये देखिए, कई बार सोच रहे होंगे ये काम पता नहीं करेगा क्या नहीं करेगा, दोस्तों ये काम कर रहा है, अभी मैंने इसकी धार नहीं लगाई, जैसे कंपनी से आया था वैसे ही मैंने किया है। ये बनते तो वैसे जलंधर में, उसमें लिखा हुआ था जलंधर का। अब जो सा ये वाला है दोस्तों, ये वाला आगे जैसे रंधा लगाना है, छोटी सी चीज़ को किसी को भी करना है, जैसे हम नोकी रंधे का काम करते हैं, नोकी रंधे का भी आप काम इससे कर सकते हो। ये देखो थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा ब्लेड इसका,
और ब्लेड भी दोस्तों काफ़ी अच्छी इसमें टेम्पर दे रखी है, ये नहीं है कि नरम है। और जनसो इसके ऊपर का ये नट है ब्रास का, इसके ऊपर भी काफ़ी वो बना रखे, अभी स्लिप नहीं करेगा। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देता हूँ, क्योंकि जब तो आप मंगवाओगे जब आपको पता लगे, थोड़ा सा ऐसे भी थोड़ी सी गाइडनेस आपको मिल जाएगी। देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो दोस्तों इसमें पूरी झरी निकल गई है, ये देखिए दोस्तों। छोटे मोटे काम के लिए ना बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर आप भी मंगवाना चाहोगे तो अमेजोन से आप मंगवा सकते हो। अमेजोन पर मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो कैसे परचेज आप लोगों ने करने हैं। तो काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने तो इसको इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैंने चला के भी देखे, तो मैं क्या मैं आपसे भी साझा करता हूँ। तो आप लोग भी इसको मंगवाइए, देखिए कि छोटे मोटे, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जन से ये टेक वगैरह डलती है, ये देखिए दोस्तों ये इसको खोला ऐसे, और इसमें कभी भी ये स्लिप नहीं हो सकता है। इसके अंदर ये आप नीचे से निकालोगे ऐसे तो इसका ये टप निकल जाएगा, टप में भी देखो बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल राइट एंगल के साथ बिल्कुल सही ढंग से इन्होंने वो गुलाई दे रखी है। जब आप टप ये डालोगे, ये देखिए आपने टेक डाल दी है इधर से, तो आपका ये टप नहीं डलेगा, क्योंकि जगह इसमें बिल्कुल उतनी टप नहीं आपका जाएगा, नट भी पीछे है। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हम लोगों ने ये टप डालना आगे, ठीक है, फिर हमने ये टेक डालनी है। ये नीचे से हमने टेक डाल दी है, ये देखिए ये डाल दिए, ठीक है। ये आपने जितने निकालनी है उस हिसाब से निकाल सकते हैं, ये ऐसे, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ये दे रखी है झरी इसके अंदर, यानी कि पूरा पूरा सहज है। अगर ये 12 mm का है तो 12 mm की इसमें टेक दे रखी है। ये भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ खोल के, अरे नज़र आ रहा है, ये भी दिखा, इसका भी यही पॉइंट है दोस्तों, ये देखिए इसकी, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ इसकी टेक, देखिए मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, जितना ये रंधा है उतनी ही इसकी ये है, ये 12 का है, ये समझ लो 11 की होगी। तो इसको भी हमने पहले नीचे से ही ऐसे ऐसे फंसाना है। तो इसमें मैंने दोस्तों कोई मैंने इसके अंदर छेड़खानी नहीं, कोई मैंने इसको टकोरे से रगड़ा नहीं, ना तो मैंने धारे लगाई हैं, सिर्फ मैंने निकाले और चालू मैंने कर दिया आपके सामने। अब ये देखिए इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या है, जितनी आपने खड़ी रखनी है ना, आपको दिखाता हूँ एक मिनट, ये आपको जितनी खड़ी रखनी है टेक, जितनी स्लो में रखनी है उस हिसाब से आप कर सकते हो। इसमें भी यही है, पहले हमारी टेक निकलेगी, उसके बाद ये हमारा टप निकलेगा, जो बुरादा इसमें आ गया। ये देखिए दोस्तों इसमें ये पीछे से ना टेक को ये खड़ी करता है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके अंदर से निकलेगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो प्लेन हो गया, आ रहा है नज़र, ये देखिए अब मैं इसको करूँगा ना, ये टेक को उतनी यानी कि खड़ी करता रहेगा। अब मैं आपको एक बार लगा के भी दिखाता हूँ इसके टेक इसके साथ, ये हमने टेक इसके अंदर ऐसे डाल दिए, ये पहले टेक डलेगी दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, ये हमारा टप डलेगा। सॉरी दोस्तों, पहले टप डलेगा हमारा, उसके बाद ये हमारी टेक डलेगी। ये हमारी टेक डल गई, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको टाइट कर लेंगे हल्का सा, ये हमारी ये हो गया, इससे क्या होगा, ये देखिए अब हम इसको टाइट यहाँ से करेंगे, इससे क्या होगा, देखो टेक अपने आप, ये देखिए देखो टेक अपने आप मूव कर रही है, ये देखो सीधा हो गया, ये देखो, ये देखिए, एक मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, छोटे छोटे हैं ये दोस्तों। अगर कोई परचेज भी करना चाहता है ना, तो अमेजोन पर आप जाके इसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये पहले मेरे ख्याल 1200-1300 की रेंज के थे, इस टाइम बहुत ज़्यादा सस्ते हो रहे हैं, क्योंकि 800 रुपये के हैं ये, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, क्योंकि शौक की दोस्तों इसके आगे कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये देखिए तीनों मैंने दिखा दिए, बड़े छोटे से हैं ये,
क्योंकि शौक की कोई कीमत नहीं। अगर आप सोचो ना किसी बंदे को शौक हो तो वो इसको परचेज कर सकता है, काम भी करते हैं, इसको खिलौने मत समझ लेना, ये गलती मत कर देना आप, क्योंकि कभी आप सोचो जी खिलौने ये चलते नहीं है, ये प्योर ब्रास की चीज़ है, ना तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं भाई लोहा वगैरह लगा हुआ है, स्टील वगैरह लगा हुआ है। दोस्तों मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अमेजोन से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। अब हम इस पर वीडियो पर क्लिक करेंगे, अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड एरो पर क्लिक करना है, देन अब हमें नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद अमेजोन बाय लिंक पर क्लिक कर देना है, उसके बाद हम अमेजोन पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद हमें बाय नाउ पर क्लिक करना है इस वाले प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। आप इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो बड़ी आसानी से। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना ये आपको वीडियो कैसे लगी। दोस्तों इसलिए मैं अमेजोन का आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक तो दे ही दूंगा अमेजोन का, क्योंकि कई भाई बोलते हैं कहाँ से परचेज किया है, भी कितने का परचेज किया है आपने। दोस्तों मैं रेट भी बता देता हूँ, फिर वो रेट के लिए मुझे कमेंट मत करना, रेट मैंने बता दिया है 800 रुपये का ये पड़े हैं मुझे, तीनों रंधे छोटे हैं जो उनसे, मैंने साइज भी इसका प्रॉपर आपको बता दिया है, क्योंकि मैं इनकी सेल नहीं करता, ये अमेजोन से मैंने परचेज किया, मैं फिर बोलता हूँ अमेजोन से मैंने परचेज किया, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप क्लिक करके आपको पता लग जाएगा कैसे परचेज करनी है। ठीक है, धन्यवाद।